आइए आज जानते हैं महान रूसी चित्रकार निकोलाई रोरिक की आर्ट गैलरी नगर की कहानी। भारत के महान मित्र निकोलाई रोरिक एक नजर में। रूसी चित्रकार निकोलाई रोरिक 1928 में नगर रुके थे और यहीं के होकर रह गए। वे अपने देश तो लौटना चाहते थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया और वे यहीं के होकर रह गए। रोरिक महान यात्री, उत्कृष्ट कवि, चित्रकार तथा समर्थ पुरातत्व वेता थे। उनका जन्म 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। वह एक सुशिक्षित तथा संपन्न घराने से संबंध रखते थे। रोरिक 1923 में भारत आए और भारत के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, फिर दार्जिलिंग के रास्ते सिक्किम गए और वहां के बौद्ध धर्म से आकृष्ट हुए। रोरिक भ्रमण करते हुए लद्दाख तथा मंगोलिया गए और फिर वापस नगर आ गए। नगर में उन्होंने उरुस्वाति हिमालयन अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत तथा हिमालय के देशों का अध्ययन करना था। 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके निमंत्रण पर अपनी पुत्री इंदिरा के साथ नगर आए थे। 1947 में रोरिक का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया और 3 माह की बीमारी के पश्चात 13 दिसंबर 1947 को उनका निधन हो गया। 3 दिन के पश्चात घर के सामने ही रोरिक की चिता जलाई गई। उस स्थान पर एक स्मारक बना है जिस पर लिखा है, भारत के महान मित्र महर्षि निकोलाई रोरिक के पार्थिव शरीर का 15 दिसंबर 1947 को यहां अंतिम संस्कार किया गया। नगर में रोरिक का घर आज भी रोरिक आर्ट गैलरी के रूप में खुला रहता है। यहां केवल 45 पेंटिंग हैं। रोरिक दीर्घा तथा अन्य कलाकृतियों की देखरेख अब एक ट्रस्ट कर रहा है। नगर में ही 1997 में एक अन्य भवन, जिसे स्थानीय लोग भूत बंगला कहते थे, इसकी मरम्मत कर एक कला दीर्घा बनाई गई। यहां हिमाचली पहनावे प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ प्राचीन मूर्तियां का भी यहां संग्रह है। संग्रहालय में रोरिक की सबसे बड़ी निशानी उनकी वह कार है जिससे वह भारत पहुंचा करते थे। इस समय 12,500 पुस्तकें तथा पत्रिकाएं यहां उनके पुस्तकालय में हैं। वर्ष 2004 में इस ट्रस्ट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 करोड़ का अनुदान दीर्घा के उत्थान के लिए दिया था। ट्रस्ट ने भी कला को बढ़ावा देने के लिए कई पग उठाए हैं। यहां चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहां भारतीय संगीत और नृत्य सिखाया जाता है। चित्रकारों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। कवि सम्मेलन तथा नाटकों का मंचन भी यहां किया जाता है। दीर्घा में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है, जिससे ट्रस्ट कर्मचारियों की पगार देता है, लेकिन किसी भी सरकार का ट्रस्ट के लिए कोई अनुदान यहां उपलब्ध नहीं है, लिहाजा शुल्क के सहारे ट्रस्ट को चला पाना आसान नहीं जान पड़ता। ट्रस्ट के केयरटेकर रमेश चंद्रा बिगड़ती माली हालत से चिंतित नजर आ रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नगर से हमारे संवाददाता गिरीश वर्मा की रिपोर्ट।